तूने इसे पैर से पहले ये बता धक्का क्यों दिया है? ठीक है, मजाक हो रहा है क्या? नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक ऐसे इतना तू कर ले मेरी इससे की जॉगिंग। पहले तो ज्यादा खा लिया, आप जॉगिंग कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बैक के बज गए 10 और पुनेश कृष्णा ये देखिए पढ़ रहे हैं। आज ये ना सुबह सुबह अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ये देखिए कृष्णा भी पढ़ाई कर रहा है, भुनेश भी पढ़ाई कर रहा है। भुनेश तेरा नेक्स्ट पेपर कौन सा है? विज्ञान। कृष्णा तेरा? और वो परसों ही है। अच्छा परसों ही है क्या? कृष्णा तेरा क्या पेपर? तेरा पेपर कौन सा है ये पूछा मैंने? पर्यावरण। पर्यावरण ठीक है, तो दोनों का पेपर है परसों और मेरा है आज फास्ट। और किचन में से मैं अपने लिए लेके आई हूँ, देखिए ये बनाना, ये 4 बनाना लेके आई हूँ मैं अपने लिए। पहले अपने बनाना खा लेती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। मम्मी आप 4 बनाना अकेले खाओगे? हाँ इतने खा लोगे आप? हाँ तो नजर लगा रहे क्या? तो किचन में बड़े एक एक तुम भी ले लो, दे दो। हाँ दे देती हूँ, ये लो ये लो ये ले किचन तेरा। मैं किचन में से दूसरे ले आती हूँ अपने लिए। ये मैंने और ले लिए भैया ने, ये इतना नहीं दिया ये। ठीक है, ये यहाँ हमारा कृष्णा खा रहा है बनाना, ये रहा भुनेश, भुनेश भी खा रहा है अपना बनाना। ये देखिए सारे अपने बनाना छील के ही खाते हैं, तो केला नहीं खा रहा। बंदर चढ़ा छीलते हुए देखा आपने? हाँ बंदर भी अपने केला जो होता है ना उनके छील के खाते हैं। जब हम एक बार गए थे ना पुष्कर, वहाँ पे बंदर थे कितने सारे। हाँ। वो छील के खा रहे थे बनाना, लोग उनको डाल रहे थे वहाँ पे। तो मैं खा लेती हूँ अपने बनाना और उसके बाद आपको मिलती हूँ। 2 hours later ये देखो भुनेश खाने जा रहा है अब खाना, और कृष्णा ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। नहीं यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे जगह खाली है वहाँ पे। नहीं या फिर यहाँ पीछे बैठ के खाओ, वहाँ पे कीड़ियाँ नहीं है। कृष्णा ने भुनेश का फोन ले लिया है और फोन में ना ये ना ड्राइंग कर रहा है, इसने पढ़ाई छोड़ दी है अपनी। हाँ वही तो। और भुनेश को अब लगी है भूख, इसलिए भुनेश ने भी अपनी भूख रख दी है, ये भी खाना खाने जा रहा है। जब खा लो। और आज मैंने बनाई है कौन सी सब्जी? अरबी। अरबी की ये सब्जी ना भुनेश की फेवरेट है ना भुनेश? सब्जी थोड़ी पकी नहीं थी, थोड़ी कच्ची थी। और अरे गला इसका इसलिए कपड़ा ना क्योंकि सब्जी कच्ची थी, वो पकी नहीं। और पापा को हो रही थी देर, तो मैंने थोड़ी सी ऐसी ही डाल दी थी। तो वो कृष्णा ने ना अपने पापा के साथ बैठ के वो सब्जी खाई, तो इसका फिर से गला पकड़ लिया। अब नहीं पकड़ेगा, अब खा ले वो सब्जी, अब नहीं गला पकड़ेगा, अब वो पूरी तरह से पक गई है। और ये भुनेश देखो टेबल पे बैठ के खाना खाएगा। भुनेश इस टेबल पे खाता है क्योंकि भुनेश को ना कीड़ियाँ परेशान करती है, क्योंकि भुनेश को है ना भुनेश। मेरे थाली में चढ़ जाती है। और मैं दिखाती हूँ आपको अपनी सब्जी। ये देखिए ये हमारी सब्जी, अरबी की सब्जी बनाई है मैंने, खाने में बड़ी टेस्टी है। शक्ल से लग रही है मुझे कि टेस्टी होगी ये सब्जी। ये पूरी क्या मेरे हाथ की है? कृष्णा के लिए है। कृष्णा को तो दे दी ना आप। ये भी कृष्णा के लिए है, उसका गला पकड़ता है ना, तो मैंने सोचा पूरी के साथ खा लेगा। तेरी तो सब्जी है ही फेवरेट, तू इसके साथ ना कुछ होता ही नहीं है केले के साथ। तो मैं अपने लिए ना थोड़े से फिंगर तलूंगी। ये देखो ये मेरे फिंगर भी खत्म होने वाले हैं, इसके अंदर ना बस आज के हैं ये फिंगर। ये देखिए इतने चिप्स बचे हैं, तो इसलिए मैंने कृष्णा से ना अभी ना मूंगफली के दाने मंगवाए हैं। इनको सबसे पहले मैं तल लेती हूँ। ये देखो मैंने अपने चिप्स और ये मूंगफली के दाने तल लिए हैं, और ये मूंगफली के दाने मैंने हाफ तले, हाफ मैंने रख लिए। तो मैं अपना खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। कृष्णा खा रहा है खाना अपना शाम का, और मैंने ना अपने व्रत खोलने की तैयारी कर ली है। मतलब रोटी तो बनी हुई है, तो दोबारा मुझे बनानी नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए सब्जी मैंने अपने लिए ना अलग से बनाई है। सुबह मैंने बनाई थी अरबी की सब्जी, और तो कुछ अरबी ना मैंने काट के रख ली थी, और उसे अब मैंने घी में मैंने तड़का लगाया है। तो अपनी सब्जी मैंने अलग बनाई है घी में, और बाकी सारी सब्जी सुबह मैंने ना ऑयल में बनाई थी, क्योंकि घी की सब्जी बच्चों को ना अच्छी नहीं लगती। और इसमें मैंने ना टमाटर भी डाले हैं। मतलब आज तक कभी भी मैंने ना अरबी की सब्जी में टमाटर नहीं डाला, और आज मैंने ना अरबी की सब्जी में ना मतलब अभी अपने व्रत खोलने के लिए जो सब्जी बना रही हूँ ना, इसमें मैंने देखिए टमाटर डाला है। दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरे से। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने ना अरबी की सब्जी में टमाटर डाला है। इसको मैं ना छोटे गैस पर रख देती हूँ, धीमी आंच पर पक रही है हमारी ये सब्जी। जब तक हमारी सब्जी बन रही है तब तक हमें वेट करना पड़ेगा, और जैसे ही मेरी ये सब्जी बन जाएगी मैं खोलने लग जाऊँगी अपना व्रत। तो चलती हूँ वापस रूम में। और भुनेश कृष्णा ने ये देखिए पिक्चर लगा रखी है। ये देखिए दोपहर का हमारा टाइम पास ना टीवी देख के होता है,
और मैं अपनी एडिटिंग वगैरह में लग जाती हूँ दोपहर को। और अभी अभी मैंने अपना वीडियो एडिट कर लिया, मेरे पोस्ट पे लगा हुआ है, तो मेरा आज का वीडियो पोस्ट हो रहा है शाम को 4 बजे। जो क्या हुआ, गला पकड़ लिया। अरे घर में ना किसी को भी अरबी ना गला नहीं पकड़ती, पर ये कृष्णा को ना, ये देखिए अरबी इसका ना गला पकड़ लेती है। देखिए तेरा वैर है। तो आलू की सब्जी बड़ी, आलू की सब्जी खा ले। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू की सब्जी बड़ी, आलू की सब्जी नहीं खा रहा। ये जो मैंने पिछली बार भी बनाई थी ना, तब भी इसका गला पकड़ी थी, और इस बार आज भी मैंने बनाई है तो आज भी इसका गला पकड़ लिया अरबी ने। शाम के 5 बज गए और देखिए मैंने अपना व्रत खोल लिया। ये देखिए, ये है प्लेट। मैंने अपना व्रत खोल लिया, जो भी सब्जी बनाई थी ना, वो मतलब थोड़ी सी बनाई थी और मैंने वो सारी खा ली। अब 5 बज गए, 6 बजे मतलब 1 घंटे के बाद हस्बैंड जी भी आ जाएंगे, तब तक मैं उनके लिए चाय बना दूंगी। और कृष्णा तो मतलब ना कब से चाय चाय कर रहा है, पर मैं सोच रही हूँ हस्बैंड जी आ जाए तब साथ में ही बना ले, ठीक है कृष्णा। और कृष्णा की आँख में ना 2 बार कुछ मतलब कचरा घुस गया। ये देखो गाइस, मम्मी काट रही है झाड़ू, काट रही है। और कृष्णा कुछ ना करके भी कर रहा है चाय को गरम। ये देखो मेरी तो मचा, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चाय मेरी बन गई है। ये रही हमारी भुवनेश कृष्णा की चाय, मैंने उनको कप में डाली है। इन दोनों की ना ख्वाहिश रहती है कि मम्मी मुझे कप में डालो, क्योंकि इनको ना पता है कि कप में ना सबसे ज़्यादा चाय आती है, मतलब इस एक कप में ना 2 गिलास चाय आ जाती है ऊपर तक भर के, बड़ी वाली गिलास। मम्मी आप गेट खुला क्यों छोड़ दो, मक्खी आती है क्या? अभी भी खुली है। तो मैं ना गेट को बंद कर देती हूँ, क्योंकि भुवनेश बोल रहा है कि मम्मी मक्खी आती है। तूने इसे पैर से पहले ये बता धक्का क्यों दिया है? ये देखो इसने गैप कर दिया। अब ये क्या मजाक हो रहा है? नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये क्या मजाक हो रहा है क्या? यस। आज बनाया नमकीन राइस और देखिए सारे खत्म हो गए। बहुत टेस्टी राइस बनाए थे। दिन भर ना कृष्णा खाना नहीं खाता और आज ना अभी राइस पे टूट के पड़ रहा है। पापा सोचा था कि ये चावल रख जाएंगे, पापा का क्या पता सामने कौन बैठा है। मैंने सारे खेतों में डाल देता है। ये भुवनेश भी खा रहा है पानी, मिट्टी डाल पीऊंगा नहीं, मेरा पेट भर जाता है आज चावलों में। क्यों आज ऐसा क्या है? आज बहुत टेस्टी है। लेकिन आज मम्मी के बदनसीब भी, आज मम्मी का बर्थ भी है, मम्मी तेल वाले चावल पहले बोला सीख ला, बदनसीब भी ऐसा नहीं होता, आज चावल बहुत टेस्टी है। अगर मेरा व्रत नहीं भी होता फिर भी क्या, मैं घी के चावल खाती हूँ, तुझे पता तेल के खाती नहीं है। ये तेल के हैं इसलिए तुझे टेस्टी लग रहे हैं। वो इतने पहले तो मैंने बहुत सारा खा लिया लुटके, फिर पापा ने मैं लुटका आया था, मैंने तो बस भरी दिया थोड़ा बचा, पापा ने तेरे बच जाएंगे, मेरे पापा ने डलवाया दही और अब सारा खा गया। इतने से बच्चों पास लुटका खाली हो गया, आप लेके जा सकते हो। गया ना खाली, मैं क्यों लेके जाऊँ, तूने खाया है तू रख के आबार धो दे बर्तन में। ये देखिए हसमन जी ना, ये देखिए आज ना हरे धनिया की पत्ती लेके आए हैं, साथ में लेके आए हैं ये बूंदी रायते में डालने के लिए। ये ना कल हसन जी लाने वाले थे, पर कल ना हसन जी ला नहीं पाए, क्योंकि उन्हें ना मार्केट में मिले ही नहीं, मार्केट में थे ही नहीं, तो इसलिए हसन जी ना आज लेके आए हैं। तो आज बनाएंगे, आज मैंने सुबह पिया नहीं धनिया का पानी, अब मैं इसे कल पीऊंगी। मुझे ये समझ नहीं आता, मेरे साथ में बैठ के खाना खा रहा था, तब धीरे धीरे पता नहीं क्या कर रहा था, क्या कर रहा खा रहा था। अब मैं जब फुल हुआ मैंने चावल बचे तब पता नहीं क्या, अब दही डालो चावल डालो, अब जोश आया बाद में, बाद में खाने और मुझे भी पता नहीं जोश कहाँ से लेके आए खाने के लिए। पोपट करनी थी। खाना खाने के बाद ये देखो कृष्णा लेके जा रहा है इस दरी को साफ करने के लिए, नहीं और मैं टेबल पे था, बाहर झड़काने जा रहा है ना, कहाँ चलूं मैं, साथ झोकूंगा तू कर ले मेरी इससे की जगह, तू कर। इतनी देर देखो इन्होंने टी शर्ट नहीं पहनी, नहा के सीधा टी शर्ट नहीं पहन सकते, पहले तो ज्यादा खा लिया, आप जोगिंग कर रहे हैं। फिर पानी मत पी, अब तो जितना ज्यादा पानी अच्छा लगेगा और जितना पानी पिएगा ना उतना पटने लग जाएगा पेट। ये देखो कृष्णा को चूना लेना पड़ गया, इसकी हालत खराब हो गई। जितना पानी अब प्यास भी लगे ना तो पानी एक घूंट पीना। ये है क्या सौंफ देखा? अरे हाँ हाँ ये तो है। अरे दोनों ही ले लेना, डाल ले लो, चीनी डाल ले, दोनों ले लो, थोड़ा सौंफ ले लो, खाना पच जाएगा। ऐसे इतना है, ऐसे
और इतना थोड़ा मुश्किल है ऐसा। ये देखो इसमें मिश्री मिला के ले आए हैं। देखो कृष्णा इतनी रात को ये गेम खेल रहा है। प्ले स्टेशन मैं तो दे दे ठटू और ये प्ले स्टेशन हमको दे दे। कृष्णा कौन सी गेम है ये? नाम तो नहीं पता, बैक करते होता हूँ क्या? नहीं रहने दे, ये गेम बड़ी मस्त है लेकिन उसकी तरह मूड भी सकते दे। देखो नींद नहीं आ रही है तुम लोगों को, सो जाओ। मुझे तो नींद आने लग गई। तो आज का वीडियो मैं करती हूँ यहीं पे समाप्त, इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे।